वंदे मातरम में आप सभी का नेटवर्क टेन में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी और आज हम इस खास मुलाकात में एक खास मेहमान को आपसे मिलाने जा रहे हैं। हमारे साथ आज की खास जो मेहमान है वो बड़ी खास है, अपने आप में बहुत ही अहम जिम्मेदारी उनके पास रही है। गुलाब देवी जी चंदौसी से विधायक हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। आज कोरोना जैसी स्थिति में आपकी जिम्मेदारी वैसे भी बड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना फैल रहा है और उसे देखते हुए जो शिक्षा है वो इतना अहम एक विषय है कि जिस पर बात होनी चाहिए। वर्तमान में हम ये जानना चाहेंगे कि कोरोना जैसे जैसे फैल रहा है और आने वाले जो एक तीसरी लहर की भी बात हो रही है जो बच्चों की तरफ इशारा करती है कि उधर अब की बार खतरा ज़्यादा रहेगा, तो ऐसे में शिक्षा को लेकर क्या आपकी प्लानिंग है, क्या आप करने जा रहे हैं और वर्तमान में जो शिक्षा ऑनलाइन हो रही है उसे लेकर भी हम जानना चाहेंगे कि उसके लिए भी आपके आगे की क्या प्लानिंग रहेगी। गुलाब देवी जी, मैं ये बताना चाहूंगी कि वर्तमान में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जी दो चीजें प्राथमिकता पर रखी गई है, एक स्वास्थ्य और एक शिक्षा। लेकिन वर्तमान इस समय इस प्रकार की परिस्थितियां आ गई हैं कि व्यक्ति के जीवन को बचाने का लक्ष्य प्रधान रखा गया है और कहा भी गया है कि अगर जीवन है तो सब कुछ संभव है। उसी के आधार पर ये प्राकृतिक आपदा है और ये प्राकृतिक आपदा इसलिए आई है, जहां तक मैं समझती हूँ कि जो हमारा व्यवहार है, जो हमारा सोच है, जो हमारा रहन सहन है वो प्रकृति के विपरीत चल रहा है। हम अपनी मनमानी कर रहे हैं और प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। यही कारण है कि जो परिवर्तनशील हमारी प्रकृति है उस पर यदि हम बलपूर्वक विजय प्राप्त करने का प्रयास करेंगे तो उसका परिणाम हमें भोगना पड़ेगा। ये जो कोरोना चल रहा है ये एक अदृश्य महामारी है जो दिखाई नहीं देती। इसके पीछे बड़े बड़े देश जो अपने लिए शक्तिशाली मानते थे, संपन्न मानते थे, आज वो लाचार बने बैठे हैं, अमेरिका और चीन। लेकिन भारत में माननीय प्रधानमंत्री जी के सहयोग से, उनके नेतृत्व में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी कार्य कर रहे हैं वो सराहनीय कार्य कर रहे हैं और प्रदेशों की अपेक्षा आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ये महामारी का प्रभाव बहुत कम हो रहा है और इसमें लोग जो हैं वो सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अभी विगत दिनों में अभी 5-6 दिन हाँ बताइए जी 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 बोलिए जी अभी मंत्रिमंडल से वर्तमान समय में जी वर्तमान अभी जी मैम बोलिए आप बोलिए जी। 2 दिन पहले हमारे मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी, उसमें ये निर्णय लिया गया कि जो जरूरतमंद लोग हैं जिनके लिए खाने पीने का कोई भी आधार नहीं है ऐसे लोगों के लिए हमारी सरकार ने व्यवस्था की है कि 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल मुफ्त में बांटे जाएंगे 3 महीने तक। इस तरीके से लगभग 15 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे। तो एक राशन की समस्या का तो समाधान कर दिया गया इस प्रकार से करके, और उन लोगों को दिया जाएगा जो लोग अंत्योदय के राशन कार्ड जिनके पास में है और जो पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारक हैं उन लोगों के लिए ही दिया जाएगा। इतना ही नहीं, जहां एक ओर हमारी सरकार ने राशन की व्यवस्था की है वही दूसरी ओर ऐसे लोगों की भी व्यवस्था की है जैसे जो सड़कों पर हमारे पटरी दुकानदार बैठते हैं, हमारे खोका वाले बैठते हैं, हमारे मोची हैं, धोबी हैं, नाई हैं, मल्ला हैं और भी जो लोग हैं जो इस पात्र के अंतर्गत आते हैं उन लोगों को सबसे बड़ी व्यवस्था ये की है कि उनको 1,000 रुपया भरण पोषण के लिए दिया जाएगा। इस प्रकार से 1 करोड़ लोगों के लिए ये राहत पहुंचाई जाएगी। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारी सरकार हर प्रकार से इस महामारी में पूरा प्रयास कर रही है
जगह जगह जो है वो कोविड के अस्पतालों को खोल। बिल्कुल ये तो है ही है गुलाब देवी जी। वैसे भी उत्तर प्रदेश सरकार और योगी जी की सराहना WHO भी कर रहा है और लगातार उनके जो प्रयास हैं वास्तव में दिखते भी हैं, सार्थक प्रयास हैं। और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से केस बढ़े और अब कम होने लगे, ये भी अपने आप में एक अच्छी शुरुआत रही है योगी सरकार की कि उन्होंने इस पे ध्यान दिया है। लेकिन आने वाला समय अभी और ज्यादा बता रहे हैं कि डरावना हो सकता है अगर लापरवाही रही। ऐसे में जो शिक्षा की स्थिति है, अगर आप देखें अब स्कूलों की क्या स्थिति रहेगी, उससे लेकर आप क्या करने जा रही हैं, ये हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा उसे भी बताएं। जी 20 मई से ऑनलाइन क्लासों का लगना प्रारंभ हो गया है। 20 मई से ऑनलाइन क्लास लगेंगे, इसमें किसी प्रकार की कोई भी लापरवाही नहीं की जाएगी। और वैसे भी पिछले समय में भी कोरोना की क्लास ऑनलाइन लगते रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़ाई से वंचित नहीं रहे हैं, ना पढ़ाई से वंचित रहे हैं और ना हमारे स्टाफ के लिए किसी प्रकार की कोई भी वेतन आदि में कोई भी परेशानी का सामना किया गया है। तो ये बराबर हमारा प्रयास चल रहा है, शिक्षण संस्थाओं में भी, व्यक्ति के रोजी रोटी में भी, उनके स्वास्थ्य में भी, हर प्रकार से हमारी सरकार लगी हुई है। आप देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इन परिस्थितियों में भी, जबकि उनको खुद ही कोरोना होके चुका है, और ये इसलिए कि रात दिन जा जाके अस्पतालों में जा खुद देख रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था तो नहीं है। कितने आश्चर्य की बात है कि ऐसे में परिवार परिवार से बचता है, परिवार का सदस्य यदि किसी को कोरोना हो जाता है तो सारे परिवार के सदस्य अलग 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 रहते हैं, जिससे उनको प्रभावित ना कर दे कोरोना। हमारे मुख्यमंत्री जी जा के देख रहे हैं, कोई परवाह नहीं कर रहे हैं, पूरा शासन हमारा लगा हुआ है, पूरा प्रशासन हमारा लगा हुआ है। कितने डॉक्टर हमारे इस बलबेदी पे चढ़ गए, कितने हमारी नर्स और उनका स्टाफ जो है उनकी मृत्यु हो गई। तो मैं उन लोगों के लिए भगवान से कामना करूंगी कि जो हमारे दिवंगत हो चुके हैं, कितने IAS अधिकारी और कितने हमारे नेता इसी के चपेट में आ गए, कि भगवान उनकी आत्माओं को शांति दे। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए जो देवदूत बनकर ऐसे संकट के समय में आए हैं और वो जो निर्णय ले रहे हैं वो ऐसे निर्णय हैं कि जनहितकारी हैं, समाज के लिए हितकारी हैं और जनता का वो विश्वास बने हुए हैं, जनता की आस्था बने हुए हैं, जनता की निष्ठा बने हुए हैं। भगवान उनको सही रखे, उनको स्वस्थ रखे और उनको प्रसन्न रखे। नहीं बिल्कुल गुलाब देवी जी, एक सवाल और, क्योंकि आपका समय भी बड़ा कीमती और आपने आज अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी भी हैं। मैं एक चीज, क्योंकि शिक्षा की बात हो रही थी और आप शिक्षा मंत्री भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं आज वर्तमान में कोरोना को लेकर आपके सामने भी स्थितियां हैं, हर किसी की स्थितियां आपके सामने हैं। ऐसे में एक अंतिम सवाल ये मैं ले रहा हूँ कि आप थोड़ा सा हम ये जानना चाहेंगे कि क्या जो प्राइवेट स्कूल हैं या जो और स्कूल्स हैं उसके अंदर फीस को लेकर भी कोई इस बार रणनीति ऐसी बनेगी कि कुछ छूट दी जाए, क्योंकि इस बार भी ऐसी स्थिति लग रही है कि पिछले साल की तरह ही अभी तक अपने आप को सुरक्षित रखना है तो घर में रहना होगा, तो ऐसे में ऑनलाइन क्लास तो चलेगी और ये भी एक बात है कि जो टीचर्स हैं उनकी तनख्वाह भी जानी जरूरी है, तो फिर भी क्योंकि व्यवस्थाएं आपके सामने है, स्थिति आपके सामने है, तो क्या कोई इस तरीके का आदेश या कुछ ऐसी छूट अब की बार जनता को मिल सकती है आपकी तरफ से? जी मैं आपके संज्ञान में लाना चाहती हूँ कि पिछले दिनों में भी, क्योंकि ये तो बस काफी समय से कोरोना का एक इस प्रकार से एक भय व्याप्त है चारों तरफ, लोगों को अपनी जान बचानी मुश्किल पड़ रही है। पिछली बार भी ये व्यवस्था की गई थी कि जो बच्चे हमारे विद्यालय में पढ़ रहे हैं उनकी फीस जो है वो किस्तों में जमा कर दी जाए। यदि कोई किस्तों में अभिभावक जमा नहीं कर पा रहा है तो वो आवेदन दे सकता है प्रबंध समिति के लिए, वो आवेदन दे सकता है प्रधानाचार्य के लिए, उस पर विचार किया जाएगा और उसको जो है वो शिक्षा उससे फीस से मुक्त कर दिया जाएगा। उन लोगों के लिए आवश्यक की गई है जो इनकम टैक्स देते हैं, उन लोगों के लिए आवश्यक की गई है जो सरकारी सर्विस में है। यदि ऐसे लोग भी फीस नहीं देंगे तो जो कॉलेज की और व्यवस्थाएं हैं वो कैसे चलेंगी। इनके अलावा और सब लोगों के लिए पूरी व्यवस्था की गई है कि अपनी सुविधा अनुसार वो फीस जमा करें। जी नहीं बिल्कुल आपने अपना कीमती समय में दिया और बहुत ही सारी चीजें बताई, ये अपने आप में बहुत ही खास है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुलाब देवी जी, और आपने हमें इतना समय दिया। तो ये थी गुलाब देवी जी, जो
बहुत सारी चीजें जिनसे वार्ता हुई, उन्होंने बताया कि किस तरीके से आगे की प्लानिंग है और शिक्षा को लेकर भी इन्होंने हमें बहुत सारी बातें बताई। लेकिन कोरोना की जो स्थिति है वो वास्तव में भयावह है, आपके सामने है। अब तो कम से कम सभी लोगों को जो गाइडलाइन है कोरोना को लेकर उसका पालन करना चाहिए। आप मास्क जरूर लगाएं, भले ही आपको वैक्सीन लग गई हो, आप तब भी मास्क लगाएं, क्योंकि इससे सुरक्षित आप अपने आप को रखेंगे तो आपका घर भी सुरक्षित रहेगा। आज इस खास मुलाकात में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद। देश दुनिया का हर नगर महानगर शाम तक की पांच बड़ी खबर आ गया है, खबरों का नया मंच, देखिए पांच का पंच।